हेलो माय ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन अ कंप्यूटर क्लास आज क्लास फोर का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने जा रहा है आप लोग कैसे हो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे आप लोग ठीक है चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज जिसमें कंप्यूटर का डेटा स्टोर होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कसन करेंगे ठीक है लाइक आवर ब्रेन अ कंप्यूटर स्टोर्स द डेटा टेम्परि और परमानेंटली यूजिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसे हमारे ब्रेन में चीज़ें हमें याद रहती हैं जैसे हमारे ब्रेन में सारी चीज़ें फिट हो जाती हैं हम कुछ भी देखते हैं कोई भी मोमेंट कोई भी बातें होती हैं हम याद रखते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर में मेमोरी होती है दो टाइप की मेमोरी होती है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है यानी थोड़े टाइम के लिए डेटा उसमें स्टोर रहता है और एक होती है परमानेंट मेमोरी जिसमें डेटा काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है ठीक है द डिवाइस विच हेल्प अस इन स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेज स्टोरेज डिवाइसिस हेल्प करती हैं डेटा को परमा जिस डिवाइस में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेज ठीक है वी कैन रिट्राइव द डेटा फ्रॉम दीज डिवाइसेज वेन एवर हम डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं डेटा को बैक टू तो बैक फिर से प्राप्त कर सकते हैं अगर कोई डेटा डिलीट हो गया है या हट गया है ठीक है उसे जब भी हमें ज़रूरत होती है हम डेटा को वापस प्राप्त कर सकते हैं किस से ये जो स्टोरेज डिवाइसेज है जो परमानेंटली मेमोरी होती है उसमें से ठीक है आगे देखते हैं डेटा स्टोरेज यूनिट्स यानी डेटा स्टोर अब डेटा स्टोर होता है तो उसकी कुछ तो यूनिट होगी जैसे मोबाइल में होती है वन जी बी टू जी बी फोर जी बी फाइव जी बी है ना तो एक यूनिट यानी एक मात्रक होता है जिसे पता चलता है इतना जी बी डेटा स्टोर हुआ है ठीक है वाट एवर वी फीड इन टू द कंप्यूटर गेट्स कन्वर्टेड इन टू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कॉल्ड मशीन कोड हम जो भी डेटा कंप्यूटर में फीड करते हैं जो भी डेट इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है कन्वर्टेड इन टू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कंप्यूटर जिस कोड को समझता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है और हम उसे कहते हैं मशीन कोड कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता है कंप्यूटर का एक अपना लैंग्वेज होता है जिसे हम मशीन कोड कहते हैं ठीक है थीके? अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है समझ सकता है ओनली टू स्टेट दो दो अवस्था को वो क्या है पहला है ऑन रिप्रेजेंटेड बाय वन वन किसको रिप्रेजेंट करता है ऑन यानी वन का मतलब होता है कंप्यूटर में ऑन एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय जीरो और जीरो का मतलब होता है ऑफ़ ठीक है दीज टू डिजिट्स ज़ीरो एंड वन और कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स और ये जो दो डिजिट्स हैं ज़ीरो एंड वन इसे हम क्या कहते हैं बाइनरी डिजिट या बिट्स ठीक है द डेटा इज़ स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड इट्स मेजरेब मेजर्ड इन बाइट्स जो डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है बीट्स के फॉर्म में और इसे मेजर किया जाता है किस फॉर्म में बाइट्स के फॉर्म में ठीक है आगे देखते हैं मेमोरी साइज यहाँ पे कुछ यूनिट दिया हुआ है इसे आप लोग को लर्न करना है मेमोरी साइज एट बीट्स इज इक्वल टू वन बाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट इज इक्वल टू वन किलो बाइट वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर किलोबाइट इज इक्वल टू वन मेगाबाइट मेगाबाइट को शॉर्ट में एम कहते हैं किलोबाइट को शॉर्ट में के कहते हैं गीगाबाइट को शॉर्ट में जी कहते हैं और टेरा बाइट को शॉर्ट में टी कहते हैं ठीक है थीके? इसी तरीके से इधर दिया है एक्साबाइट को ई कहते हैं चिट्टा बाइट को जेड कहते हैं ठीक है ये मात्रक जो है ये आप लोग को लर्न करना है कि एट बिट्स में कितना बाइट होता है वन बाइट होता है वन थाउजेंड ट्वेंटी फोर बाइट्स में कितना किलो बाइट होता है वन किलो बाइट होता है ठीक है ये मेमोरी साइज आप लोग लर्न करेंगे और फिर उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आप लोगों ने लर्न किया कि नहीं ठीक है आज के लिए बस इतना ही आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी बी हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे सेफ एंड अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच बाय बाय हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ